नेहरू नवयुवक मंडल चौहटन के बैनर तले राष्ट्रीय मतदाता दिवस के पूर्व राष्ट्रीय मतदाता सप्ताह के तहत मतदाता जागरूकता का आयोजन स्थानीय राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में नायब तहसीलदार रमेश कुमार, विद्यालय के प्रधानाचार्य अनोपा राम सोनी, नेहरू नवयुवक मंडल के संरक्षक डूंगर राठी, युवा समाजसेवी विपिन भंसाली, पत्रकार दिनेश सोटिया, हंसराज सिंघवी के सानिध्य में आयोजित हुआ। मतदाता जागरूकता अभियान के मतदाता संबंधित विभिन्न प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया गया। विजेताओं को पारितोषिक देकर सम्मानित किया गया। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत नायब तहसीलदार रमेश कुमार ने कहा, ऐसे आयोजनों से मतदान के प्रतिशत में सहायक सिद्ध होते हैं। उन्होंने उपस्थित बालिकाओं से, जिसकी उम्र 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, वह अपना आवेदन प्राप्त प्रपत्र अच्छे में भरकर संबंधित बीएलओ को अवश्य देवे, ताकि उनका नाम मतदाता सूची में मतदान से पूर्व सम्मिलित किया जा सके। विद्यालय के प्रधानाचार्य अनोपा राम सोनी ने मतदान में युवाओं को भूमिका पर प्रकाश डाला। नेहरू युवा मंडल के संरक्षक डूंगर राठी ने मतदाता जागरूकता पर प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया। कार्यक्रम का संचालन व्याख्याता धर्माराम ने किया। विद्यालय के स्टाफगण और समस्त छात्राएं, आज नेहरू नवयुवक मंडल द्वारा आयोजित राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता अभियान, जो कि हम सब, चूँकि आप यहाँ पे 11th 12th क्लास भी है, तो इसके बाद में जो हमारी पीढ़ी है, आप है, आपके पास भारतीय संविधान ने आपको वोट करने का अधिकार दिया है, तो ये अधिकार आप एक वोट के माध्यम से, एक वोट के माध्यम से जैसा सर ने बताया, सीपी जोशी जी मात्र एक वोट से हार गए थे, तो आपका वोट कितना बहुमूल्य है, कितना कीमती है। आज भारत युवाओं का देश है और हम सबसे ज्यादा जो युवाओं वाला देश है, और ये युवा है जो आजकल भारत की इकोनॉमी को तय कर रहे हैं, भारत की राजनीति को तय कर रहे हैं। आजकल आप देख रहे हो हर जगह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या अन्य हर जगह, चाहे IIT कंपनी हो, बड़ी बड़ी कंपनियों में हमारे युवा आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारा युवाओं का जो देश है, ये लोकतंत्र को भी मजबूत करे। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और सबसे शक्तिशाली लोकतंत्र है, और लोकतंत्र के माध्यम से ही भारत में एक चाय बेचने वाला भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बना है, आपको पता है ना। हाँ, तो आपकी ये ताकत है, इसको पहचानना है, इसको समझना है। आपके यहाँ से कुछ क्लास, जैसे 6वीं से 8वीं 10वीं 12वीं 11वीं तक की बच्चियां हैं, जिनकी उम्र है, जो कट ऑफ डेट 18 साल नहीं हो रही है, उनकी जिम्मेदारी ये है कि आप घर पे जाइए, जब भी इलेक्शन हो, वोट होते हैं ना, सभी MLA MLA के होते हैं, MP के।